अभी तो रुको। हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग होंगे बहुत ही अच्छे। तो फ्रेंड क्या है ना कि आज सुबह से ही मौसम बहुत खराब था, और जब मौसम खराब था तो बारिश ना हो तो मतलब ये मुमकिन ही ना हो पाएगा, क्योंकि भैया बारिश प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। देख लीजिए हल्की हल्की जो बूंद है बारिश की वो गिर रही है। अभी चल रहे हैं, क्या है ना, चल रहे हैं मंदिर की ओर जा रहे हैं और पोखरी पे जा रहे हैं और थोड़ा सा अभी क्या बोलते हैं बगीचे में जाएंगे, तो वहाँ का आप लोगों को थोड़ा सा क्या है ना व्यू दिखाने का प्रयास करूँगा कि मतलब बारिश किस कदर हो रही है और कितनी मतलब खतरनाक अंदाज में हो रही है। तो आप लोग क्या है ना कि वीडियो को बिना स्किप करते हुए लगातार देखते रहे, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ मजा होने वाला है। सो फ्रेंड क्या है ना कि हम लोग जा रहे हैं सारी शुरू करने के लिए, छाता देख लिए, छाता टूटा फूटा छाता मतलब अचानक मिल गया भाई, मतलब उसी को पकड़ कर जा रहे हैं। इसको देख लीजिए, इसके सारी शूट करने लग रहा है, तो चल रहे हैं सारी शूट करते हैं और थोड़ा सारी शूट करने का भी इंजॉय करते हैं। और आप लोग क्या है ना वीडियो में बने रहिए, अभी इसको थोड़ा घुमाएंगे और इसका भी इंजॉय लेंगे, मजा लेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। और बच्चों बच्चे किस प्रकार से आतंक हो रहे हैं भैया, देख लीजिए तो क्या हाल चाल है। देख लीजिए गाइस, बच्चे क्या है ना पोखरे में मछली मारने के लिए मतलब कितने उतावले हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब कुछ मैं जवाब ही नहीं दे सकता हूँ भाई। और अभी हम है पोखरे के पास में है, मतलब ज़्यादा खून बाहर निकालेंगे तो मतलब बकचोदी हो जाएगा, मतलब देख सकते हैं खून भैया भीग रहा है, ठीक है। क्या ना कि आप लोगों को मैं बताया था ना कि हम जाने वाले हैं मतलब कहाँ जाने वाले, बगीचे में जाने वाले, और बगीचे का व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैं चलता हूँ, थोड़ा सा बगीचे में चलता हूँ और थोड़ा सा इन्जॉय करता हूँ। और बारिश जो है ना अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत स्लो हो चुका है, इसलिए क्या है ना कि हम भीग नहीं रहे हैं, मतलब बाहर आते हैं और मतलब बारिश हो रही है ना। और रमेश क्या देख लीजिए, हमारा ये छाता मैं इसको बनाती है आज प्रेजेंट टाइम में। और हमारा जो माइक है ना, माइक है मैं घर पे भूल आया हूँ, क्योंकि मतलब अचानक बारिश होने लगा ना, और जब अचानक बारिश होने लगा तो हम चले गए थोड़ा सा क्या है ना, जब बारिश अचानक हो गया है तो थोड़ा सा क्या वीडियो भी शूट कर लेते हैं। यार तुम हमको भिगवा रहे हो यार, गाइस देख सकते हैं मतलब इधर क्या है ना हमारा जो हाथ है वो भीग चुका है। और अभी हम चल रहे हैं, मतलब क्या है थोड़ा सा अपने फोन को मतलब मैं अंदर ही रखूंगा भाई, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो जाएगा और फोन को बहुत सेफ्टी से रखना पड़ता है। और प्रेजेंट टाइम पहुंच चुके हैं, देख लीजिए बगीचे, मतलब जो हमारे गांव का सबसे खतरनाक भूतिया जंगल है, तो भूतिया जंगल के पास पहुंच चुके हैं और अभी हम चलने वाले हैं। तो अभी आप लोग क्या है ना कि वीडियो को बिना स्किप करते हुए लगातार देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मजा होने वाला है। सो गाइस क्या है ना कि हम बगीचे के पास में पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा इधर देखने का प्रयास करते हैं, इधर कोई दिख नहीं रहा है, मतलब जो मालिक है बगीचे के वो दिख नहीं रहे हैं ना, उनको थोड़ा पूछना पड़ेगा और इसलिए तभी जाना पड़ेगा अंदर ना, तो भी वो दिख नहीं रहे हैं, इधर भी देख लीजिए। और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जाऊँ कि ना जाऊँ, और बारिश बहुत तेज़ होने लगा भाई, मतलब मैं कन्फर्म भी जाऊँगा। और अपना जो ये भैया आईफोन का जो मेरा ईयरबड है ना 25,000 का साला, हमको लगता है ख़त्म हो जाएगा, इसलिए रमेश को देते हैं कि भैया तू पकड़ ले, ठीक है। और इधर हमारे हाथ में सूजी रखी हुई है, सूजी को भी नहीं खाते हैं। और थोड़ा सा जो कैमरा हमारा है, कैमरे पे पानी गिर गया है, तो इसको थोड़ा पोंछते हैं और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। इतना जाओ तो कैमरा मैन चलते हैं थोड़ा सा, मतलब चलिए हमारे साथ में, थोड़ा आगे बढ़िए एंड चलते हैं, तो दिखाने का प्रयास करते हैं। मतलब भाई आज मतलब क्या है ना, नहाने का मूड बन गया हमारा, ठीक है। जब नहाने का मूड बन गया हो और बारिश भी हो रहा हो, तो मतलब लगातार 3 महीने के बाद में अगर बारिश हो रहा है तो फिर क्या पूछो ही मत, ठीक है। तो हम अभी भीग रहे हैं, मतलब हल्की फुल्की हमको भी खांसी मतलब आ रही थी, दवाई भी करवा ली है, बट क्या है ना आप लोगों के लिए भैया फिर से हमको लगता है ना एक बार फिर से जाना पड़ेगा, जेल में नहीं जाना पड़ेगा भाई, लगता है कि बिस्तर में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज भाई मतलब कुछ भी मतलब हो जाए, बट क्या है ना आज हमारा जो वीडियो है पक्का शूट होकर ही रहेगा। सो फ्रेंड क्या है ना कि इसके सारे के सारे शूट करने के चक्कर में है ना मतलब हम पूरा भीग चुके हैं। और इसके बगल में आम का पेड़ है, चलते हैं, मतलब चलते हैं देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चलिए। फ्रेंड क्या है ना कि हम पहुंच चुके हैं बगीचे में और जस्ट सामने हमारे घर बगीचा है, एंड कैमरामैन से कहना है ना, कैमरामैन से कहना कहता हूँ कि इधर भी दिखा दीजिए, इधर भी एक बगीचा है। तो फ्रेंड क्या है ना कि सब पहले चलते हैं बगीचे में और आप लोगों को जो है ना छोटे छोटे जो आम है उनका व्यू दिखाने का प्रयास करूँगा, कि मतलब जिस प्रकार से पानी मतलब बारिश हो रहा है और बारिश होने के साथ इधर का थोड़ा सा व्यू मतलब देख लीजिए कितना शानदार, कितना खतरनाक देखने को मिल रहा है। मतलब जब बारिश होता है तो फिर किस प्रकार का व्यू होता है आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं बगीचे में चलते हैं और बगीचे में थोड़ा सा क्या है ना मतलब जो फल है उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग क्या है ना वीडियो को बिना स्किप करते हुए लगातार देख रही है। सो गाइस क्या है ना, बहुत देर से ताक झाक करने के बाद में हमको 100% रिस्क लेना पड़ रहा है, जानती हो क्यों, क्योंकि मैं भीग चुका हूँ और जब भीग चुका हूँ तो मम्मी के साथ रिस्क ले सकता हूँ, तो भैया अब यहाँ आने के बाद मैं पक्का रिस्क लूँगा, क्योंकि घर पे जाऊँगा तो मम्मी उतनी डांट लगाएगी, इतना डांट यहाँ पर मिलने वाला है। तो सो गाइस क्या है ना कि वीडियो को बिना स्किप करते मेरी जान लगातार देखते रहिए, क्योंकि जाने वाले बगीचे में रिस्क लेने के लिए तो कंटिन्यू रहिए।
अब तरी बार जब कैमरा मैन बोलेगा तो लोग बात ये है ना, हम लोग यहाँ पर हम रिस्क लेने जा रहे हैं क्योंकि इस बगीचे में कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ का जो मालिक था वो यहाँ से चला गया है और हम लोग जा रहे हैं तो बोलेगा आम चोरी के लिए आए, लेकिन फिर भी हम लोग चल रहे हैं ये रिस्क ले रहे हैं। ये आम लगा हुआ है और यहाँ पर बात ये है ना कि हमारी फट रही है, मतलब भाई इतना खम्मा देना पड़ रहा है ना कि मतलब अगर अचानक जो मतलब वो जो बगीचे का मालिक अगर वो आ जाएगा तो फिर आप देखिए मतलब देख लीजिए उधर देखिए उधर कैमरा में दिखा दीजिए उधर मतलब जो फल है मतलब कितने मतलब डेंजरस देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब जूम कर नहीं होगा क्या है ना कि मतलब देख लीजिए मतलब जूम करने के बाद में आप लोगों को किस प्रकार से व्यू देखने को मिल जाएगा। चल 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 बना 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 पीछे से मतलब क्या है ना उधर से आवाज आ रही है कि मतलब भैया क्या कर रहे हो, तो हम लोग क्या वीडियो शूट करते हैं मतलब हमको लगता है यहाँ से जाना पड़ेगा, मतलब उनको प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग बगीचे में आए तो आम तोड़ने के लिए आए तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो क्या ना गाइस अब हम लोग चलने वाले हैं क्योंकि फट रही है, फट रही है मतलब क्या आएगा मतलब गाली वाले अगर देने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ना है ना कि हम अंदर वाले घुसे ड्रामा। इसके जस्ट बगल में देख लीजिए जो बकरियां आ रही है मतलब दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब जब यहाँ पर आया है तो मतलब कुछ अलग अलग सीन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, और इधर बकरियां आ रही है मतलब आपने कभी देखा नहीं हुआ मतलब ऐसी बकरियों को, तो बकरियों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम, और इधर नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं हमारे कैमरा में देख लीजिए इधर मतलब बहुत सारे पत्ते हैं जो कि मतलब बहुत सोने दिख रहे हैं मतलब कलरफुल दिख रहे हैं जानते हो क्योंकि मतलब बारिश हो रही है ना और साला हम भीग चुके हैं मतलब हमारी फट रही है मतलब जो हमारे शरीर पूरा बदन है उसमें कपड़ी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बड़े वाले बीच में चलते हैं थोड़ा सा और खतरनाक रिस्क ले लें, तो कैमरा मैन से अपने कहना चाहते हैं कि चलना है सर वहाँ पे चलना है, बड़ा रिस्क लेना है कि नहीं लेना है गांड पड़ रही है। तो हमको लगता है मतलब जो मतलब बगीचे के मालिक अगर होते भैया तो क्या है ना चलते हैं बड़ा रिस्क ले लेते हैं, बट क्या है ना कि वो है नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मतलब कोई कुछ भी लगा सकता है ना, तो इसलिए क्या है ना गाइस कि अब हम चलने वाले हैं मतलब घर पे जाने वाले हैं, तो एक मन कर रहा है कि घर पे जाएं, एक मन कर रहा है भाई कि मतलब तू भाई वीडियो शूट कर ले साला जो होगा देखा जाएगा। और रमेश को थोड़ी थोड़ी फट रही है भाई, इसलिए हमारी भी उसमें से फड़के से फट रही है, और जब बगीचा का मतलब कि कुछ मतलब मज़ा आता है वीडियो में जो व्यू है उसको देखने का प्रयास करता मैं, तो भी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अगर कोई आ जाता है जो बगीचे का मालिक है अगर वो आ जाए तो उनसे थोड़ा बात बात करके क्या है ना कि हम जो वीडियो है वो शूट कर लें। तो गाइस क्या है ना कि वीडियो को आप लोग बिना स्किप करते हुए लगातार देखते रहिए क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ मज़ा होने वाला है। सो गाइस क्या है ना कि बहुत सारा वीडियो शूट हो चुका है और बारिश क्या स्लो हो चुका है, और ये रास्ता कितना सुंदर दिख रहा है मतलब ये जो है लंदन का एंड फ्रांस का मतलब सॉरी गाइस हमारे गांव का ये रास्ता है जो कि बहुत मतलब ब्यूटीफुल एंड बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, अगर इसे डिस्प्ले से शूट किया जाता था फिर कितना खतरनाक दिखता हमको मतलब खुद मालूम नहीं। ठीक है तो गाइस क्या है ना कि अब हम लोग चलने वाले घर पे जाने वाले, थोड़ा सा कपड़े चेंज करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देख रहे मेरी जान। सो गाइस क्या है ना वीडियो शूट करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा देख लीजिए, ये जा रहा है ना मतलब जो मैंगो का जो मिनी मैंगो है ना उसका जा रहा है क्लिप शूट करने के लिए, तो ये जा रहा है और जो बारिश की बूंदियां हैं वो हल्की हल्की हो चुकी हैं, तो हम भी क्या है ना अपने जो कैमरे को अपने फ़ोन को मतलब हाथ में ले लिए हैं, और गाइस क्या है ना कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, एंड एक छोटी छोटी सी गैया वहाँ पर घास चर रही है उसको ठंड नहीं लग रहा भैया, हमको ठंड लग रहा है और हमारा जो हाथ है वो पूरा मतलब ऐसे कप कप रहा है ठीक है। तो वो क्लिप मतलब जो है क्या है ना कि जो मैंगो छोटे मैंगो का है ना उसको क्लिप वो ले चुका है, और गाइस क्या है ना कि अब हम लोग चल रहे हैं घर पे। ठीक है तो अब घर पे जाने वाले हैं, क्लिप हो गया ना वीडियो कैप्चर और क्लिक हो गया जी यहाँ पर। तो गाइस क्या है ना कि हम लोग का जो राइट जो हम लोग का क्लिप है तो होता है वो मतलब क्लिक हो गया है, और सो गाइस क्या है ना कि फिर से आप बारिश क्या है बहुत तेज़ हो रही है और हम लोग जा रहे हैं घर पे। ठीक है और घर पे जाते हैं थोड़ा सा कपड़े को चेंज करते हैं, थोड़ा सा नहाते वहाते और कपड़े को चेंज करते हैं और आप लोग को फिर मिलते हैं वीडियो में, और आप लोग हेलो भाई है। सो गाइस क्या है ना कि फिर से बहुत तेज बारिश होने लगा और अब हम लोग क्या है ना घर पे जा रहे हैं, और क्या है ना देख लीजिए मतलब रास्ता देख लीजिए इधर का थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को वीडियो दिखाने मतलब थोड़ा सा नाच नाच की वीडियो दिखाने के बाद, रमेश जो छाता लिया है तो छाते से इसको मोबाइल को ढक कर रखे हैं ठीक है, और अपना हम भीग रहे हैं मतलब हेलो गांड फटे थे फटे बट क्या है नवाबी ना घटे भैया, तो मोबाइल ना प्रॉब्लम नहीं जाए और ये फट सकती है, तो इसका भी फोन आ चुका है यार देख लीजिए इनकी गर्लफ्रेंड का फोन आ सका, तो ये बात कर रहे हैं और हम सिंगल ही मतलब वीडियो शूट कर रहे हैं और मतलब हम भीग रहे हैं। ठीक है और गाइस चलते हैं इसलिए चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा इधर भी क्या बगीचा है, तो बगीचे में भैया नहीं जा पाएंगे और हम फिर से पहुंच चुके हैं अपने उसी रास्ते से मतलब जिस रास्ते से हम आए थे, और इधर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं देख लीजिए, और अचानक जब बारिश हुआ तो हम मतलब फट गई हमारी। गाइस चलते हैं नहाते धोते हैं और अपने कपड़े को जो है ना चेंज करते हैं और मिलते हैं फिर से आप लोगों से थोड़ा बात करते हैं, तो आप लोग क्या है ना कि वीडियो को बिना स्किप करते हुए लगातार देख रहे हैं क्योंकि वीडियो में मुझे जाना है।
म्यूजिक मतलब जब से तुम्हें हमने देखा सर हम बारिश में हम डूब गए थे हम एंजॉय करते थे हम मस्ती करते थे म्यूजिक हम मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे अलग मजा मतलब वीडियो में मजा कि हम घर के पास पहुंच चुके हैं और हमारी हल्की हल्की फटने लगी है। मम्मी को मुझे देख रहे हैं कि मतलब मम्मी हमारी दिखना चाहे अगर दिख जाएंगे तो बहुत बोला हो जाएगा। ठीक है तो चढ़ते हैं चुपके चुपके से कपड़े कपड़े का चेंज करते हैं और मतलब थोड़ा सा नहाते हैं और कपड़े को चेंज करते हैं तो फिर उसके बाद में आप लोगों से आते हैं फिर बात करते हैं वहाँ बैठ के बात करेंगे। तो देख रहे ना वड्डा वहाँ पर बैठ के बात करेंगे क्योंकि वहीं भी फट रही है हमने से भी। सो गाइस क्या है ना कि हम जा रहे हैं छत पे थोड़ा सा इन्जॉय करने के लिए किस स्टाइल से हम इसको रोके हैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। और अभी हम जा रहे हैं इनका वो हमारी बैठी हुई है वहाँ पे देख लीजिए देख रही है हम क्या कर रहे हैं। तो वो आपको बाद में आएंगे छत पे हम आ चुके हैं छत पे आने के बाद में आप लोग को थोड़ा सा वीडियो मिल जाएगा और हम भी हमको बुला रही है और अभी ऐसी बारिश हो रही है मतलब गज और चमक में बारिश हो रही है और छत पे पहुँच चुके हैं। तो इधर प्रकार से बहुत सारे खाने का बीच करने का प्रयास करते हैं आप लोगों को दिख रहे हैं मतलब शायद से हम क्या है ना अपने कैमरे को मतलब अपने फ़ोन को पकड़े हुए हैं और जो सीन है और जो व्यू है उसको पता को देखने को मिलेगा आप लोगों को। और अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और क्या है ना कि इधर कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा और इधर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा ऊपर हमारे गाँव की जो मंदिर है। और अभी चल रहे हैं कपड़े को चेंज करते हैं और कपड़े को चेंज करने के बाद में आपसे मिलते हैं। तो आप लोग क्या है ना कि वीडियो को बिना स्किप करते हुए लगातार देखते रहिए। A few moments later. So guys क्या है ना कि मतलब हम क्या है ना रेडी हो चुके दिल्ली मतलब हमारा जो गेटअप है वो रेडी हो चुका है मतलब हम नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए। और गाइस क्या है आज का वीडियो कुछ इतना ही था और हमारे इधर आशीष भाई विशाल अंदाज में वाह तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म और मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग और लवली वीडियो के साथ। तो लव यू एंड ज़ैन।